नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। तमिलनाडु के गांव में दलितों की पानी के टैंक में मानव मल डाले जाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुकोट्टई के जिला कलेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें, तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के वेंगई वयाल गांव में कई बच्चे बीमार पड़ गए थे। डॉक्टर ने बताया था कि पीने का पानी इसके पीछे एक वजह हो सकता है। इसके बाद कुछ लोग पीने के पानी के टैंक पर चढ़े और अंदर देखा, जिसके बाद पता चला कि 10,000 लीटर पानी की क्षमता वाले टैंक के अंदर भारी मात्रा में मानव मल डाला गया था। इस वजह से टैंक का पानी पीला हो गया था। स्थानीय लोगों ने NDTV से बातचीत में कहा था कि यहाँ बड़े पैमाने पर जातीय भेदभाव होता है। पिछली 3 पीढ़ियों से उन्हें गाँव के मंदिर में नहीं जाने दिया गया। गांव में चाय की दुकान पर भी दलित समुदाय के लिए अलग गिलास रखे गए हैं। इसे लेकर चाय की दुकान चलाने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट में भी याचिकाकर्ता ने कहा है, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को मंदिरों में प्रवेश से वंचित किया गया, उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोका गया आदि। याचिकाकर्ता ने यह भी उदाहरण दिया कि कैसे बच्चों को शिक्षकों की चप्पल ले जाने और उनके निजी काम करने के लिए भी मजबूर किया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने पानी की टंकी में मानव मल मिलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और अप्रत्यक्ष रूप से पानी पीने के लिए मजबूर पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के लिए विशेष जांच दल के गठन की मांग की है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा विस्तृत रिपोर्ट के लिए मामले को 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोचों के खिलाफ महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच लगातार दूसरे दिन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ बैठक हो रही है। ये बैठक उनके दिल्ली स्थित आवास पर करीब 6:30 बजे शुरू हुई। बैठक में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक और विनेश फोगाट मौजूद हैं। पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पहलवानों के साथ गुरुवार को भी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बैठक हुई थी, हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही थी। दिल्ली में पहलवानों का धरना आज भी जारी है। गुरुवार देर रात साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, रवि दहिया सहित कई पहलवान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर उनसे मुलाकात की। खेल मंत्री के साथ देर तक चली इस मीटिंग के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका। आज पहलवान एक बार फिर से खेल मंत्री से बात कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इनकी मांगों पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने बुधवार को WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। विनेश फोगाट का कहना है कि महिला पहलवानों को राष्ट्रीय शिविरों में कोच और WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय शिविरों में नियुक्त कोचों में से कुछ वर्षों से महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। विवादों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा देने के सवाल पर कहा कि वो किसी के दया के आधार पर इस पद पर नहीं है, बल्कि चुने हुए अध्यक्ष हैं। ब्रजभूषण सिंह से जब ये पूछा गया कि उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने दावा किया है कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो भूचाल आ सकता है, इस पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफे को लेकर कहा कि इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय या गृह मंत्री से बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो आज शाम 4 बजे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और BJP के दबंग सांसद ब्रजभूषण कैसरगंज से सांसद हैं। इसके अलावा गोंडा समेत आसपास की 4 सीटों पर उनका एक तरफा दबदबा बताया जाता है। कहा जा रहा है कि शायद इसलिए भी BJP उन पर कार्रवाई करने से हिचकती है। वो इससे पहले भी BJP का साथ दे रहे राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का भी विरोध कर चुके हैं। इसके अलावा भी वो बेधड़क बोलते हैं। दिग्गज मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों में शामिल हुए। मुक्केबाज के साथ साथ कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने न्यूज़ एजेंसी ANI से कहा, मैं आज यहाँ पहलवानों से मिलने आया हूँ, उन्हें समर्थन करने आया हूँ। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह निंदनीय है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप हैं। मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 72 घंटे से ऊपर हो गए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो बेटियाँ देश का नाम रोशन कर रही हूँ वो जंतर मंतर पर रो रही हूँ। सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। श्रीनेत ने स्मृति ईरानी जैसी महिला मंत्रियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार में जाति सर्वे कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी। बता दें, बिहार सरकार ने इस साल 7 जनवरी को ही जाति सर्वे शुरू किया है। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के सर्वे में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक परिवार का डेटा डिजिटल रूप से संकलित करने की योजना है। इसमें जाति को लेकर जानकारी भी इकट्ठी की जाएगी, इसीलिए इसको जातिगत जनगणना भी कहा जा रहा है। वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने को कहा। खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को वापस लेने के साथ ही खारिज कर दिया। जजों ने कहा कि अगर ये नहीं किया जाएगा तो राज्य सरकार कैसे निर्धारित करेगी कि आरक्षण कैसे दिया जाना है। बिहार में जाति सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वागत किया। नीतीश कुमार ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, ये सभी के हित में है। उन्होंने कहा कि एक एक चीज की जानकारी होगी तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। वहीं बिहार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सर्वे नहीं होता है तब तक ये कैसे पता हो सकता है कि किसे आरक्षण देना है, ये बिहार सरकार की जीत है। त्रिपुरा में अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले हिंसा की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन घोषणा के चंद दिनों के बाद ही हिंसा शुरू हो गई है। हालिया मामला धलाई जिले में हुई हिंसा का है, जहां त्रिपुरा के शाही वंशज प्रद्योत किशोर माणिक के देव वर्मा की पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। पश्चिमी अगरतला के मजलिशपुर विधानसभा में गुरुवार दोपहर को हुई इस हिंसा में अब तक 32 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी अजय कुमार प्रमुख हैं। राजनगर विधानसभा के बरपथार क्षेत्र में इस तरह की हिंसा की खबरें हैं। यहाँ हुई हिंसा में अब तक सीपीएम के 5 कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। ये सभी कार्यकर्ता पार्टी की एक रैली से घर वापस लौट रहे थे। सिपाहीजाला जिले के विशालगढ़ में सीपीएम समर्थक नंटू चंद्र देवनाथ के घर में भी कथित तौर पर आग लगा दी गई। आगजनी के समय नंटू अपने परिवार के साथ सो रहे थे, समय रहते नंटू को बचा लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनय किशोर देव वर्मा ने बताया है कि TIPRA मोथा के मारे गए कार्यकर्ता प्रणजीत नाम शूद्र और उसके एक दोस्त को बामनचेरा इलाके में अज्ञात लोगों ने रोककर उन पर हमला कर दिया। गुरुवार को हुई हिंसा में अब तक 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक उनकी राजनीतिक दल के साथ संबंधों की पुष्टि नहीं हो पाई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से बुधवार को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर रिपोर्ट मांगी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को धर्मांतरण संबंधी उनके एक बयान पर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़े हैं, अगर पंडित धीरेंद्र शास्त्री से साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। दरअसल पंडित धीरेंद्र शास्त्री अभी रायपुर में हैं, वो यहाँ रामकथा करने पहुँचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने बस्तर का जिक्र किया था और कहा था कि वहाँ के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने से रोकना होगा। इसके बाद बस्तर के नेता और राज्य सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें बस्तर चलने और इसे साबित करने को कहा। लखमा ने तो यहां तक कह दिया कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया था। मंत्री कवासी लखमा ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, कहां से सपना आया उसको, इसी महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? महाराज हो पंडित हो मेरे साथ बस्तर आए, कल परसों कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और वो पंडिताई छोड़ दें। ऐसे पंडित लोग को नागपुर में चुनौती दिया गया है। मंत्री ने कहा कि अब ये मामला कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है कि क्या है, सच्चाई पता चलेगी। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम सरकार को नागपुर में अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति की तरफ से चुनौती दी गई थी। उड़ान के दौरान विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के मामले में अब उस एयरलाइंस एयर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिसमें घटना घटी थी। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी DGCA ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और उसकी न्यूयॉर्क दिल्ली उड़ान के पायलट के लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया के इन फ्लाइट सेवाओं के निदेशक पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना 26 नवंबर 2022 को हुई थी, जब विमान में कथित रूप से नशे में धुत पुरुष यात्री शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब की थी। डीजीसीए का कहना है यह घटना 4 जनवरी को डीजीसीए के संज्ञान में आई। एयर इंडिया ने एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को आरोप यात्री शंकर मिश्रा पर पेशाब करने की घटना के लिए 4 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध उस पर लगाए गए 30 दिन के प्रतिबंध के अतिरिक्त था। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। राहुल की यह यात्रा पंजाब के पठानकोट से जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर में गुरुवार शाम को ध्वज सौंपने के समारोह के साथ ही प्रवेश कर गई। समारोह में राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी हमला किया और उन नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया जिनके कारण व्यापक बेरोजगारी हुई। राहुल ने दावा किया कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाकर और फिर उन्हें लूटकर बड़े पैमाने पर जेब तराशी कर रही है। उन्होंने नफरत, हिंसा, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि को देश के सामने मुख्य मुद्दा बताया। उन्होंने इन मुद्दों को उजागर नहीं करने के लिए मीडिया पर आरोप लगाया। शुक्रवार सुबह ये यात्रा आगे के लिए बढ़ चुकी है। सेना की कमान महिलाओं के हाथ देने में पहले पक्षपात होता रहा था और यह सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया था, लेकिन अब 108 महिला अफसरों का कर्नल बनना तय हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें से करीब 80 महिला अधिकारियों को अब तक कर्नल के पद के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब है कि वो पहली बार अपने संबंधित हथियारों और सेवाओं में कमांड इकाइयों के लिए पात्र हैं, यानी वो सेना की इकाई का नेतृत्व कर सकती हैं। बता दें, वर्तमान में सेना मुख्यालय में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है ताकि उन्हें उनके पुरुष समकक्षों के बराबर लाया जा सके। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1992 से 2006 के बैच तक 108 रिक्तियों के लिए 244 महिला अधिकारियों को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।